आईटीआई सोलन में दो दिवसीय रोजगार मेले का शुभारंभ उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से रोजगार की तलाश में पहुंचे युवाओं को कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। युवा वर्ग अपने आप को कार्यकुशल बनाए ताकि निजी कंपनियों में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। पहले दिन रोजगार मेले में 26 कंपनियां पहुंची। इस दौरान करीब 3000 से अधिक युवक साक्षात्कार देने के लिए आए थे। आईटीआई के प्रधानाचार्य शिवेंद्र डोगर ने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सौजन्य से किया जा रहा है। आज हमारे आईटीआई सोलन में दो दिवसीय रोजगार मेला 27 और 28 मार्च को शुरू हुआ है और इसका जो विधिवत उद्घाटन हमारे जिलाधीश महोदय श्री विनोद कुमार जी ने किया। इस रोजगार मेले में 26 कंपनी जो हैं वो फॉरेन से, डिफरेंट स्टेट से तथा हिमाचल प्रदेश से भाग ले रही हैं। इसमें एक कंपनी जो है जिंदल सा गल्फ, वो अबू धाबी से आई हैं तथा 9 कंपनियां जो हैं वो 6 डिफरेंट स्टेट्स, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आई हैं तथा 16 इंडस्ट्री जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से आई हैं। इनमें मुख्यतः यामा मोटर, सुजुकी गुजरात, सुजुकी गुड़गांव तथा जयश्री ऑटो तमिलनाडु हसूर से तथा जिन्नी एंड जोनी बद्दी से तथा और आज जो हैं लगभग 1000 के करीब जो हैं वो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं। ये रोजगार मेला 2 दिन चलेगा। कल भी अगर कोई यहाँ आना चाहता है जिसको रोजगार चाहिए तो वो कल भी सुबह 9 बजे आके रजिस्टर्ड करवा के अपने डिफरेंट कंपनीज में, अपनी चॉइस की कंपनी में जो है वो अपना इंटरव्यू देके सिलेक्शन करवा सकता है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ भूपेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।